हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है आंख निकालने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आंख निकालने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती थी। उस जंगल से जब भी कोई इंसान गुजरता तो चुड़ैल उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती थी। उसके बाद वो चुड़ैल उस इंसान के दोनों आंखें निकाल लेती थी। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल जाती है और लोग जंगल के रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन सुनैना अपने पति के साथ जंगल के रास्ते जा रही थी। वो दोनों अभी अभी शहर से आए थे, लेकिन जैसे ही दोनों जंगल के बीच में पहुंचते हैं कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अभी तो दिन का समय है, मैंने तो सुना है कि दिन में चुड़ैल बाहर नहीं निकलती। ये तेरी गलतफहमी है, हम चुड़ैल कभी भी बाहर निकल सकती हैं, दिन हो या रात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही डरावनी है, लगता है ये हमें जान से मार देगी। नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मैं सिर्फ तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। उस गुफा का डरावना नजारा देख सुनैना और रवि घबरा जाते हैं। लेकिन चुड़ैल, तुम हमारी आंखें क्यों निकालना चाहती हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इंसानों की आंखें निकालकर शैतान के लिए एक माला तैयार कर रही हूँ। मेरी माला तैयार होते ही मैं वो शैतान को पहना दूंगी। उसके बाद शैतान मुझे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देगा। आज रात को मैं तुम दोनों की आंखें निकालूंगी। उसके बाद चुड़ैल उनको रस्सी से बांध कर वहां से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सुनैना और उसका पति के घर न पहुंचने से सुनैना की बहन परेशान हो जाती है। अरे नहीं, इतनी देर हो गई, अभी तक दीदी और जीजा जी घर क्यों नहीं पहुंचे? तभी वहां अंजलि नाम की एक लड़की आ जाती है। सुनीता, तुम्हारी दीदी और जीजा को जंगल वाली चुड़ैल उठाकर अपनी गुफा में ले गई। जंगल में लकड़ियां काटते समय मैंने ये सब देख लिया था। अरे नहीं, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, मैंने सुना है वो इंसानों की आंखें निकाल लेती है, मुझे किसी भी तरह अपने दीदी और जीजा को बचाना होगा। लेकिन तुम वहां अकेले मत जाना, बगल वाले गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है, तुम उसके पास मदद मांगने जाओ और वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद कविता उस तांत्रिक के घर पहुंच जाती है और उसे सारी बात बता देती है। देखो, वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी और खतरनाक है, मैं उसका सामना नहीं करने वाला, तुम यहां से चली जाओ। ऐसा मत कहिए, मेरी दीदी और जीजा की जान खतरे में है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी देता हूँ, इसकी मदद से तुम उस चुड़ैल को खत्म कर सकती हो। इतना कहकर तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी कविता को दे देता है। कविता उस जादुई छड़ी को लेकर फौरन चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। अरे तू कौन है और यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी दीदी और जीजा को छोड़ दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मामूली सी लड़की अभी मुझसे बातें कर रही है, अभी मैं तुझे मजा चकाती हूँ। चुड़ैल वहां रखी शैतान की मूर्ति से हाथ जोड़ के एक जादुई छड़ी निकालकर कविता पर हमला कर देती है। लेकिन कविता अपनी जादुई छड़ी से हमले को रोक देती है। लगता है इस शैतान की मूर्ति से चुड़ैल को शक्ति मिलती है, मुझे सबसे पहले शैतान की मूर्ति को तोड़ना होगा। इतना कहकर कविता अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से शैतान की मूर्ति में आग लगा देती है और देखते ही देखते उसके साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे नहीं, तूने क्या किया? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उसके बाद कविता अपनी दीदी और जीजा को आजाद करके घर ले जाती है। तो आपने देखा दोस्तों आंख निकालने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और हमेशा हिम्मत और बहादुरी से
उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।